धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ रहा है, वो 21 तारीख को आएंगे और दर्शन करेंगे, ढाकी करेंगे, मेला ठेला करके चले जाएंगे दर्शन करके ठाकुर। श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसका भी बुराई कर रहे हैं लोग, उसका भी बुराई कर, उसका बुराई करने से क्या होगा, राम जी तो बैठ गए ना, राम तो अब आए हैं ना, उनके कृपा, उनका 14 साल का वनवास खत्म करके 500 वर्ष के बाद आए हैं, क्यों नहीं सनातन धर्म बोलेगा, जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा। गिरिराज सिंह जी को भी नोता गया है, आपका सुनील कुमार चौबे जी को नोता गया है, आपका अमित शाह जी को गया, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, धनखड़ जी का आने का प्रोग्राम है, उपराष्ट्रपति का काफी बड़ा प्रोग्राम है, सभी को। जय हिंद, आप देख रहे हैं फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल और मैं ही प्रवीण। तो आपको बता दें कि कहा जाए तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो कि गोपालगंज में जिनका आगमन हो रहा है, और आपको बता दें कि उनको देखने के लिए और इस मठ को देखने के लिए और कहे तो इस विधि व्यवस्था को देखने के लिए काफी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं। और आपको बता दें कि देखिए ये जो भवन आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से, मतलब कहा जाए तो एक अलग अंदाज में, और भी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि भगवान की जो मूर्ति लगी हुई है किस प्रकार से ऊपर, आप जैसे कि आप लोग बिल्डिंग के ऊपर दिखाने का प्रयास कीजिएगा, जिस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं भगवान विष्णु का और माँ लक्ष्मी का जैसे कि वहाँ पे मूर्ति बना हुआ है, तो पूरा तरीके से मतलब इसको सजाया गया। और आप गोपालगंज में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज जो जिनका आगमन हो रहा है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश हैं, और उनको देखने के लिए और कई सारे साधु महात्मा भी आ रहे हैं जिनको देखने के लिए कहे तो यहाँ पे दूर दूर से लोग आए हुए हैं। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना भीड़ है, और यहाँ के हम एक व्यक्ति से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर विधि व्यवस्था जो है क्या है और कि कौन कौन आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे फर्स्ट हिंदुस्तान न्यूज चैनल। जी जय हो, जय राधे 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 राधे। अच्छा बाबा, हमको बताने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो जग है कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आपको 14 तारीख से होगा, 14 फरवरी से। जी, और कब तक चलेगा? 24 तक। जी, मतलब कहा जाए तो 11 दिन तक। हाँ, 11 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा। इसमें अति रुद्र महायज्ञ होगा। अच्छा। उसके बाद में कृष्ण लीला के हिसाब से रास लीला भी होगा। अच्छा। और विद्या भास्कर जी राम कथा करेंगे इसमें, और श्री जी महाराज जो है वो कृष्ण कथा कहेंगे, भागवत कथा। सलामाबाद वाले महाराज जी, निम्बार का 4 अध्यक्ष महाराज, वो ही यहाँ पर कथा करेंगे। सुनने में आ रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज भी आ रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी आ रहा है, वो 21 तारीख को आएंगे और दर्शन करेंगे, ढाकी करेंगे, मेला ठेला करके चले जाएंगे दर्शन करके ठाकुर जी का। हाँ। नेता भी कोई लोग आ रहे हैं? नेता तो बहुत आएगा, जैसे गिरिराज सिंह जी को भी नोता गया है, आपका सुनील कुमार चौबे जी को नोता गया है, आपका अमित शाह जी को गया है, पर अमित शाह जी का अमेरिका में कोई मीटिंग है तो इसलिए वो नहीं आ पाएंगे, उनका कोई प्रतिनिधि भी आ सकता है। हाँ, आने का बात तो है, देखो क्या होता है। सुनने में कि आदित्यनाथ योगी जी भी आएंगे? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी आएंगे, धनखड़ जी का आने का प्रोग्राम है, उपराष्ट्रपति का काफी बड़ा प्रोग्राम है, सभी को आना है, मतलब कहे तो एक सभी को निमंत्रण सभी को दिया गया है और सभी को आने का तारीख दिया, जैसे कि धीरेन्द्र शास्त्री 21 तारीख का बोले हैं, अनुरुद्धाचार्य है वो 19 तारीख का बोले हैं, योगी बाबा है वो 18 तारीख का बोले हैं, सबका अलग अलग है। इस यज्ञ से बहुत सारे तो बहुत सारे लोगों का भावनाओं जुड़ा हुआ है। जी, तो वो लोग चाहते हैं यहाँ पर आने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर आने के लिए जो लोग आते हैं तो बहुत सारे लोग, तुम लोग का क्या रहने का व्यवस्था कुछ है? रहने के लिए पूरा टेंट सिटी लगाया जा रहा है। अच्छा। पीछे की साइड में सब टेंट सिटी लग रहा है, उसके पीछे हेलीपैड बनेगा। अच्छा। इधर की साइड में मंच बनेगा, ये पूरा जो 55 एकड़ जमीन है इसी के अंदर है, अपना ही जमीन है आश्रम का, इसी के अंदर सब कुछ हो जाएगा, इसी के अंदर। हाँ, 55 एकड़ इधर है, 20 एकड़ इससे आगे है जहाँ पार्किंग बनाया जाएगा गाड़ी वगैरह खड़ा करने के लिए। अच्छा बाबा, ये तो रहा हमारा सवाल, बहुत सारे लोग इस चीज का कहे तो विरोध भी करते हैं, उन लोगों से क्या कहना? किस बात का विरोध? हम लोग सनातन धर्म का जो भी कार्य होता है उससे लोग गलत गलत टिप्पणी कर देते हैं, जैसे कि राजनेता हो गए, चाहे बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से क्या कहिएगा? ये कोई राजनेता का काम तो है नहीं, धर्म का काम है, सनातन धर्म के लिए, और जो जो बोल रहा है वो अपने आप भुगतेगा, ठाकुर जी उसको देखेगा, हम लोग तो धर्म का काम कर रहे हैं, यज्ञ होने से सुख शांति रहेगा,
बिहार में हमेशा आनंद रहेगा, पूरे इंडिया के लिए, सुनो विश्व के लिए, कल्याण के लिए किया गया यज्ञ है ये, कोई छोटा मोटा यज्ञ सुनिए, अतिरुद्ध महायज्ञ हो रहा है, इससे कितना सुख शांति सबको प्रदान होगा उसके लिए तो किया गया है। अयोध्या में कहा जाए तो श्री राम मंदिर जब बन करके तैयार हो गया और भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो गया, उसका भी बुराई कर रहे हैं लोग, उसका भी बुराई कर, उसका बुराई करने से क्या होगा, राम जी तो बैठ गए ना, राम तो अब आए ना, उनके कृपा, उनका 14 साल का वनवास खत्म करके 500 वर्ष के बाद आए, क्यों नहीं सनातन धर्म बोलेगा, जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि विरोध करते करते उनका अस्तित्व तो कहे तो मिटने जा रहा है, वो अपने आप मिट्टी में मिल जाएगा, जो इसका विरोध करेगा धर्म का, सनातन धर्म का जो विरोध करेगा वो अपने आप ही चला जाएगा, उसको क्या करना है, भगवान तो बैठा है ना देखने के लिए, वो सबको देख रहा है। अच्छा बाबा आप कहाँ से आए? हम वृंदावन धाम से आए। वृंदावन धाम, आपका शुभ नाम? मुकेशानंद ब्रह्मचारी। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे सब्सक्राइबरों के लिए थोड़ा सा समय आप निकाले। वाह वाह, जय हो, चकाचक आनंद हो, तुम्हारा चैनल भी खूब चकाचक है, बोलो राधा रानी की जय। राधे राधे। और आपको बता दें कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं और आपको हम अंदर चल के आपको दिखाने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से, देखिए एक अलग अलौकिक चीज है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से मूर्ति बना हुआ है और पेंटिंग है, और कहते मतलब कि दोनों साइड में आप लोग जैसे देख पा रहे हैं कि दरबान, और आपको बता दें कुछ अलग चीज है, अलग अंदाज है, हम आपको चीज भी दिखाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आप लोग अंदर की तरफ से देख पा रहे हैं कि कितना अच्छा से सुविधा है, और आपको सब मतलब कहे तो एक अलग चीज है, और इसको देखने के लिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, और अभी हमारे हम आपको बता दें कि अभी जो स्कूल की बच्चियां अभी बैठी हुई है, स्कूल के बच्चे अभी जो बैठी हुई है, और कहे तो ये लोग भी घूमने के लिए आए हैं, और घूमने के लिए काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हालांकि इस वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद।